हेलो फ्रेंड्स, कुक विद टेस्ट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल जीरा राइस। इस रेसिपी को फॉलो करके आप भी जीरा राइस एक बार ज़रूर बनाएं, आपको भी बहुत ही पसंद आएंगे। तो आइए बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल जीरा राइस। इसके लिए हम एक कप बासमती चावल ले लेंगे। अब हम इसे बाउल में डाल लेते हैं। 3 से 4 बार इसे अच्छे से धोने के बाद हम इसमें पानी डालकर इसे 15 से 20 मिनट के लिए भिगो देंगे। भिगोने के बाद हम इसे बॉईल करेंगे। इस रेसिपी को फॉलो करके आप भी जीरा राइस एक बार ज़रूर बनाएं, आपके राइस भी बहुत ही परफेक्ट और खिले खिले बनेंगे। जितने हमने चावल लिए थे उसका 1.5 गुना हम पानी डाल देंगे। ये मैंने 1 कप चावल में 1.5 कप पानी डाल दिया है। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे और पानी को बॉईल आने देंगे। जैसे ही पानी में बॉईल आने लगे हम इसमें चावल डाल देंगे। मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे ढककर हम पकाएंगे। बीच में आप इसे एक बार चेक कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, चावल हमारे फूल गए हैं लेकिन अभी इसमें पानी है। हम फिर से गैस की फ्लेम को लो करेंगे और इसे ढककर पानी के सूखने तक पकाएंगे। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और दोबारा से इसे कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर पानी के सूखने तक इसे पकने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, राइस हमारे उबल गए हैं। कितने परफेक्ट खिले खिले राइस हमारे बॉईल होकर रेडी हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, एक एक राइस का दाना हमारा खिला खिला बना है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। पैन में हम देसी घी या कुकिंग ऑयल, जिसमें आपने तड़का लगाना है, वह डाल लें। इसके बाद इसे अच्छे से गर्म होने दें। जब यह अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच जीरा डाल देंगे और जीरे को अच्छे से चटकने देंगे जब तक जीरा हमारा ब्राउन कलर का ना हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, जीरे का कलर ब्राउन हो गया है, आप वीडियो में देख सकते हैं। इस स्टेज पर हम अपने बॉईल किए हुए राइस डाल देंगे। स्वादानुसार नमक डाल देंगे। नमक थोड़ा ध्यान से डालेंगे क्योंकि हमने चावल को बॉईल करते समय भी नमक डाला था। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया जीरा राइस हमारा बनकर रेडी है। लग रहा है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके एक बार जीरा राइस ज़रूर बनाएं, आपके राइस भी इसी तरह खिले खिले बनेंगे। मैंने इसे बटर दाल फ्राई तड़के के साथ सर्व किया है। इसकी रेसिपी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हाँ तो फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट स्टाइल जीरा राइस की रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। आप हमारी ये रेसिपीज़ भी ट्राई कर सकते हैं।